नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको होली के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। जैसे भी आपको सामने स्क्रीन पर पोस्टर दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल से इस प्रकार का पोस्टर बनाकर यहाँ अपना फोटो लगा सकते हैं। फोटो के नीचे आप अपना मोबाइल नंबर और नाम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। तो देखिए, आपको होली का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले इस पिक्सेल ऐप की आवश्यकता होगी जो आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपके हमारे में पिक्सेल ऐप पहले से नहीं है तो आप सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे आपको पहले डाउनलोड कर रखा है। चलिए ओपन करते हैं। देखिए, जैसे आप हमारे पिक्सेल ऐप ओपन करोगे आपके सामने प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के ऊपर आपको यहाँ पर स्ट्रीट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, नीचे आपको यहाँ पर इस बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर फ्रॉम गैलरी का आइकन देखिएगा। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में आपको किसी में चूज कर लेना है। मैंने इमेज पहले से बना कर रखी है जिससे आपको पोस्टर बनाने में बहुत ही आसानी हो। अब आपको नीचे यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को बीच से कट कर देना है और आपको अपने मन में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर KBM हेल्प लिख दिया। अगर आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिख कर सर्च करना है और आपको इसी परिवारी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन की आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको वेबसाइट के यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर 206 पोस्टर लिख कर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 206 पोस्टर लिख दिया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 206 पोस्टर लिख कर नीचे यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप यहाँ पर 206 पोस्टर लिख कर सर्च करोगे आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा होली के लिए पोस्टर कैसे बनाए। आप किसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, नीचे आने आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। देखिए, आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा। पोस्टर का बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेकंडें चलती दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पर सेकंडें खत्म होगी डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर सेकंडें खत्म हुई डाउनलोड का बटन आ चुका है। आपको इसी डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे वो वाली इमेज आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब फिर से आपको यहीं पर आ जाना है। जैसे कि फिर से मैं यहीं पर आ चुका हूँ, इसके ऊपर आपको यहाँ पर फ्रेस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करना है। गैलरी में अपना जो भी फोटो लगाना चाहते हो उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप अपने फोटो को इतना सेट कर लीजिए और टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, फोटो यहाँ पर आ चुका, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर पहले से हटा रखा है। अगर आप फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर हटाना नहीं जानते हैं तो उस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आपको इसे छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। अब आपको यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखने के लिए फिर से सी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है और आपको यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को हटा देने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और आप यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, फिर से आपको यहाँ पर इसी ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर कलर का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर बाटा वाला कलर सेट करके टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर ए बी फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर ए बी फॉन्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, इनमें से जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसी पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख चुका है, इसे छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना बताया है, इसी प्रकार आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया। इस प्रकार आपका पूरा पोस्टर बन जाएगा। अब आपको सेव करने के ऊपर आपको यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देखिए, पोस्टर फोन के लिए सेव आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को जरूर पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें।